Hello everyone, I am Dr. Sumit Saxena, plastic and cosmetic surgeon. Today I am going to give you some information about liposuction and abdominoplasty. Liposuction and abdominoplasty kya hota hai, kise karana chahiye, kab karana chahiye, kitni bar karana chahiye, karwana chahiye bhi ki nahi karwana chahiye, kya effects hote hain, kya side effects hote hain, kuch basic questions hain jinko hum resolve karenge aur hum aapko koshish karenge ki aapko kuch jankari de paaye. Basically liposuction kya hota hai? लाइपोसक्शन होता है फैट को निकालना. सो व्हेन यू सक आउट द फैट, जब आप चर्बी को निकाल देते हैं किसी मशीन के थ्रू, एक छोटे से इंसिजन के थ्रू, वन स्मॉल इंसिजन मल्टीपल पार्ट्स में लिए जाते हैं और उससे निकालते हैं एक कैनुला से, उसे कहते हैं लाइपोसक्शन. ओके, अब लाइपोसक्शन ये होता है तो आपने बोला किसी ने तो डॉक्टर मुझे कहा था कि चमड़ी काटनी भी पड़ेगी. यस, उसके साथ में एक कोरिलेटेड प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं एब्डोमिनोप्लास्टी. उसी को किसी और भाषा में कहते हैं टमी टक, मतलब किसी और कोई और कहता है आपको टमी टक. सो बेसिकली एब्डोमिनोप्लास्टी कहें या टमी टक कहें, उसमें होता है स्किन को काटना. मैं बहुत लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि भाई अगर आपको आप 38 साइज़ की शर्ट पहनते हो और आपको मैं 44 की ला दूँ तो भाई आप क्या करोगे? आप शर्ट को काटोगे, अपने साइज़ का फिट करोगे. उसी तरह से जब स्किन लूज़ हो जाती है तो सिर्फ चर्बी निकालने से वो स्किन टाइट नहीं होने वाली है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसे स्किन को काटना पड़ेगा. जब वो स्किन काटने वाली स्टेज आती है तो वो होती है एब्डोमिनोप्लास्टी या फिर टमी टक. दोनों प्रोसीजर को कंबाइन भी किया जाता है क्योंकि सारे एरिया में कटिंग नहीं की जाती है, जैसे कि फ्लैंक्स हो गया, बैक हो गया, यहाँ पे कटिंग बहुत स्किन एक्सेस नहीं होती है. इन जनरल जनरली पेट के नीचे वाले पोर्शन में स्किन एक्सेस होती है तो वहाँ पे काटना पड़ता है. कभी कभी हाथ में बहुत ज़्यादा स्किन एक्सेस होती है, वहाँ पे स्किन काटनी पड़ती है क्योंकि स्किन बहुत टाइट नहीं हो पाती है. तो इसी ढंग से दोनों प्रोसेस को कभी कभी कंबाइन भी करना पड़ता है और स्किन को कभी काटना भी पड़ता है, कभी नहीं काटना पड़ता है. अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हो, आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है या फिर आपकी एज थोड़ी सी ओल्ड हो रही है जिसमें स्किन आपकी थोड़ी लूज हो चुकी है, उस केस में सिर्फ लाइपोसक्शन आपके केस में काम नहीं करेगा. उसमें थोड़ा सा आपको ओपन माइंड रखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं स्किन टाइटनिंग के लिए कटिंग करने का प्रोसीजर भी आपको लग सकता है. क्या ये प्रोसीजर सेफ है? जी, ये प्रोसीजर बिल्कुल सेफ है. टेक्नोलॉजी के एडवांसेस अभी इतने हो गए हैं कि इन सब प्रोसीजर्स में कुछ होता ही नहीं है. अभी हमने कोई न्यूज़ में सुनेंगे कि ये एक्ट्रेस के साथ ये हो गया था, भाई वो तो अपेंडिक्स में भी एक प्रोसीजर में हो सकता है क्योंकि वो एक एक्ट्रेस थी इसलिए कुछ हो गया, ऐसा उसमें कुछ रहता नहीं है. बहुत सेफ प्रोसीजर है. जिस समय पे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ या आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस समय भी, इस समय पे नहीं कहेंगे तो एक शहर में 10-10 लाइपोसक्शन हो रहे होते हैं. बहुत कॉमनली डन प्रोसीजर हो गया है और अब ये बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर हो गया है. अगर आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें तो जनरली कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं. हाँ, होल बॉडी लाइपोसक्शंस भी होती हैं जिसमें हम मॉमी मेकओवर्स भी करते हैं. यस, उन सब प्रोसीजर्स में रिस्क होता है और उसमें आपको हॉस्पिटल स्टे भी रहता है. तो थोड़ा सा आप लोगों को ये भी रखना पड़ेगा कि हर कुछ एक स्टेज में करने की कोशिश मत करिए. नहीं तो भाई मेरा हाथ भी कर दीजिए, मेरा पेट भी कर दीजिए, मेरा पैर भी कर दीजिए, सब कुछ एक बार में कर दीजिए. एक बार करेंगे रिस्क बढ़ते हैं. एक एक सेक्शन को डील करिए, थोड़ा थोड़ा डील करिए और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी मिलेंगे आपको और लॉन्ग टर्म के लिए बेटर रिजल्ट भी मिलेंगे और कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे. अब ये प्रोसीजर बेसिकली होता क्या है, कितना दिन का स्टे लगता है? जनरली ये डे केयर प्रोसीजर होता है, हम लोग सवेरे करके शाम में भेज देते हैं. कभी कभी मेरे पास में ओवरसीज पेशेंट आते हैं जिनके पास में इतना समय नहीं रहता है तो हम उनको मॉमी मेकओवर या फिर होल बॉडी लाइपोसक्शन भी एक साथ में करते हैं. उनको हम एक या दो दिन हॉस्पिटल में रखते हैं और उनको लगता है तो हम ब्लड प्रोडक्ट्स भी देते हैं. जनरली पर इन सब केस में ब्लड प्रोडक्ट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर आप डे केयर की तरह करें और लिमिटेड एरियाज को करेंगे तो इसमें कोई ब्लड प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती है. बहुत ही सेफ और रूटीन प्रोसीजर होता है. छोटे से इंसिजन से फैट को सक आउट कर लिया जाता है और अगर स्किन एक्सेस रही तो उस स्किन को काट करके टाइटनिंग भी कर दी जाती है. अब हु इज़ अ गुड कैंडिडेट? हर कोई इज़ अ गुड कैंडिडेट. जो मोटा है ही इज़ अ गुड कैंडिडेट, पर कितना मोटा? अगर आइडियली आपका वेट, जो आपका आइडियल वेट होता है, उसके 30% के रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है तो ही इज़ अ गुड कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन. अगर उसके ऊपर जा रहा है आपका बॉडी वेट तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ गुड केस फॉर लाइपोसक्शन. यू मे रिक्वायर अ मोर सिवियर केस जैसे कि बेरियाटिक सर्जरी. उसी तरह से मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि हर केस में बेरियाटिक भी मत देखो. भाई अगर आपका 30% आइडियल वेट के आसपास घूम रहा है तो आपको बेरियाटिक की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल, थोड़ी एक्सरसाइजेस, कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे कि लाइपोसक्शन absolutely solve your problem. पर yes, उसके ऊपर जा रहा है तो yes, you have to think of other options as well. कितना body fat एक बार में निकाला जा सकता है? Usually हम लोग कहते हैं कि 10% of the body weight जो होता है, which is a very safe criteria to remove the body fat. पर मैंने खुद ही अपने life में
करीबन 20 से 25 पेशेंट्स ऐसे किए होंगे जिनमें हम लोगों ने मेगा लाइपोसेशन किया। मेगा लाइपोसेशन का कहना का मतलब होता है जब आप 10% बॉडी वेट के ऊपर निकालते हो, जब 20 से 25 लीटर भी आप फैट निकालते हो तो उसको कहते हैं मेगा लाइपोसेशन। हम वो भी निकाल सकते हैं, पर उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उसका हॉस्पिटल का स्टे प्रोलॉन्ग बढ़ता है और अगर ब्लड वगैरह प्रोडक्ट्स भी देने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। कौन से एनेस्थीसिया में करते हैं, हम इसको लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, हम इसको जनरल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, हम इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन से एरियाज का करना है और कहाँ का करना है। यूजुअली चीक चिन फेस का लोकल एनेस्थीसिया में होता है, अगर ब्रेस्ट के साइड्स का करना है तो जनरल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया विद सेडेशन को कंबाइन कर सकते हैं। एब्डोमेन बटक्स थाइस बहुत ज़्यादा करना है तो मैं प्रेफर करता हूँ पेशेंट को कंप्लीट एनेस्थीसिया दिया जाए ताकि पेशेंट रिलैक्स रहे, मैं भी पेशेंट को एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए, पेशेंट डिस्कम्फर्ट में रहेगा तो मैं भी उसको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता हूँ। तो पेशेंट अगर कंप्लीट एनेस्थीसिया में रहे तो हम उसको अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, हम उसको एक प्रॉपर कंटूरिंग दे पाते हैं, हम उसको एक प्रॉपर वी शेप बॉडी दे पाते हैं। बहुत ही बेसिक और साधारण जानकारी मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी है। इन सब जानकारी छोड़ के आपको अगर कुछ और भी क्वेरीज हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें पर्सनली आके मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज, वी विल सी टू इट दैट यू आर बेनिफिटेड मैक्सिमली विद द डिस्कशन, एंड वी विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। थैंक यू।